गोरैया बाबा का दरबार में 25 तारीख को और 26 तारीख को ऑफर है। जिनका बाल बच्चा नहीं है, जो लोग भूत प्रेत खिलाते हैं, और ध्यान देना है 25 तारीख को और 26 तारीख को जो लोग आएंगे अब उन्हीं को नवरात्र में देखा जाएगा, उन्हीं को नवरात्र में देखा जाएगा। अगर दिल्ली ढाका कहीं दूसरे जगह हैं बाहर में तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग गांव पर अपने हैं वो लोग एक फ़ोटो साट कर अपना प्रॉब्लम जो है लिख करके लाना है, उसी पर मोहर लगेगा, जिस पर मोहर लगेगा वहीं लोग नवरात्र में आएंगे, और नहीं तो उनको नवरात्र में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नवरात्र में एकाएक आइएगा, पहले से भी आ रहे हैं, अगर ऑफर में नहीं आइएगा तो नवरात्र में हम नहीं बैठने देंगे किसी को, क्योंकि सीट बुक हो रहा है, सीट बुक हो जाएगा उसके बाद आपको हम कहाँ बैठाएंगे, भीड़ लगाएंगे क्या। इसलिए जो लोग नवरात्र में जिनको आना है, भूत प्रेत जिनका शरीर पर आता है वो बाधा करता है, तो आप लोग अपना 25 तारीख को और 26 तारीख को यहाँ पर जरूर आ जाइए। 25 तारीख को आ जाइए सुबह में, अपना एक टेंट लेकर आना है, यानी एक तिरपाल और रस्सी लेकर आना है। यहाँ पर डंडा का व्यवस्था किया जाएगा बंधन का बांधने के लिए रोड पर, क्योंकि इतना आदमी है लोग कि रोड पर नहीं अट सकता है, तिरुम में नहीं अट सकता, इसलिए रोड पर उनका व्यवस्था किया जाएगा। और जो लोग 25-26 तारीख को नहीं आएंगे तो उनको नहीं देखा जाएगा नवरात्र में, कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप दिल्ली हैं, बॉम्बे हैं, दूसरे जगह बाहर में हैं, नहीं आए तो उनको देखा जाएगा, लेकिन आते समय आपको एक फ़ोटो ले लेना है और उसी पर जो प्रॉब्लम है एक पाना पर लिख करके फोटोग्राफ को साट करके लाना है। यहाँ पर जमा होगा, गोरैया बाबा का मोहर लगेगा उस पर, तब ये काम होगा आपका, नहीं तो नहीं देखेंगे नवरात्र में। आप पैर भी मत कीजिएगा मेरे पास, क्योंकि कितना लोग ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जा रहे हैं ना तो 3 महीने के बाद आ रहे हैं, 3 महीने के बाद आ रहे हैं, 2 महीने के बाद आ रहे हैं, उनको तो और नवरात्र में नहीं देखेंगे, ऐसे ठीक हो जाएंगे आप। ज़्यादा दिक्कत ऐसे व्यक्ति आप लोग ओझा के पास दिखाइए या दूसरे जगह दिखाइए, मेरे दरबार में मत आइए। आप दरबार में आता है इंसान ठीक होने के लिए ना, तो आप लोग 2-2 महीना एक एक महीने पर लग रहा है कि आराम करके आएंगी और नवरात्र में 10 दिन बैठने पर 5 दिन बैठने पर ठीक हो जाएंगी, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग ऐसे मत आइए, आना होगा तो 25-26 तारीख को बुला करके जचवाइए, उसके बाद कोई सुनवाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो दिन नियम बताया जाएगा कि क्या करना है, नवरात्र में आना है तो कैसे आना है, क्या होगा उसमें। मोहर तो आप पुर्जी पर लगा के नहीं, पुर्जी पर मोहर नहीं लगेगा तो आपको नहीं आना है, छापा नहीं, आपको नहीं देखा जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जाकर ओझा के पास दिखाइए, आप दौड़ आग्रह करिए, ठीक हो सकता है तो हो जाएगा। नवरात्र में जो लोग खिलाते हैं उनके लिए पोजीशन देख करके बताया जाता है, तो जब प्रतिदिन बताया जाता है नवरात्र में। एकम के दिन जिनका घर का बंधन करना होगा, जिनका बाल बच्चा नहीं होगा उन्हीं को देखा जाएगा, बाल बच्चा को नहीं सॉरी, जिनका बंधन करना होगा घर का और जिनका घर में शंस व्रकत नहीं है उन्हीं को देखा जाएगा। वो दिन कलश उठता है नवरात्र के एकम के दिन, लेकिन इसीलिए 25-26 तारीख को बुला रहे हैं कि बाबा का आदेश क्या होगा, कैसे आना है उसमें, कैसे नियम से रहना है, क्या करना है, किस टाइम से किस टाइम ग्रुप चलता है इसमें देवास, उसी समय से उसी अनुसार बताया जाएगा गोरैया बाबा के दरबार में कि कब आना है, कैसे आना है, किसको आना है, किसको नहीं आना है। जो खिलाता नहीं है तो उनको तो आना ही नहीं है, क्योंकि नवरात्र में और नया लोग कम नहीं देखते हैं, इसलिए नया लोग जितने लोग होंगे नहीं आएंगे नवरात्र में। जो भूत खिलाते हैं और जिनका बाल बच्चा नहीं है वो आएंगे बस, और नहीं। और शनिवार को नवरात्र में और रविवार को नहीं देखेंगे, शनिवार पहले आप चुपचाप रहिए, नवरात्र में शनिवार को और रविवार को नहीं देखेंगे, 10 दिन देवास चलेगा, सिर्फ जो भूत कहलाता है जिनका बाल बच्चा नहीं है उसी को, समझ में आया ना। इसलिए 25 तारीख को आप लोग को जुटना है, बताया जाएगा उसमें नियम क्या करना है, उसी अनुसार देखा जाएगा। जय गोरैया बाबा, देवस्थान पहरपुर, थाना गढ़हनी, जिला भोजपुर, आरा बिहार। आरा जिला में गोरैया बाबा का दरबार है, और अगर आप बक्सर के तरफ से आ रहे हैं, चाहे आरा से आ रहे हैं, तो डायरेक्ट गढ़हनी आइए। गढ़हनी स्टेशन का सभी लोग नाम जानता है, गढ़हनी स्टेशन से मांगिएगा ना, आरा से क्या बोला जाता है, दक्षिण तरफ 18-20 किलोमीटर दूरी है गढ़हनी स्टेशन,
अगर सासाराम के तरफ से आ रहे हैं चाहे झारखंड से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं तो सासाराम डिहरी होते आइए, पियोरो मिलेगा, पियोरो के बाद मिलेगा गढ़हनी स्टेशन, गढ़हनी स्टेशन से गाड़ी मिलती है डायरेक्ट गोरिया बाबा के दरबार में आती है। अगर अरवल के तरफ से आते हैं तो गढ़हनी आइए, नहीं तो पावना स्टेशन, पावना आ जाइए, पावना बाजार पड़ता है, वहाँ से गाड़ी मिलेगी सब, नहीं तो पैदल रास्ता दो माने आधा घंटा का है रास्ता, पैदल भी आ सकते हैं। और जो बिहार शरीफ से आ रहे हैं और मान लीजिए कि उधर से जो लोग पूरब की तरफ से आ रहे हैं वो लोग आ रहा है स्टेशन पर, पटना आने के बाद आ रहा है, आ रहे के बाद अपना गाड़ी पूछिएगा कि गोरिया बाबा के दरबार में जाना है गढ़हनी, कोई भी बता देगा आपको कि हाँ वहाँ से वहाँ जाना है। शनिवार को दोपहर के बाद रोग दुख देखा जाता है, जिनका पथरी हुआ, बवशीर हुआ है, दर्द हुआ है, सटिका गठिया, सफ़ेद दाग हुआ है, मिर्गी फरका रहा है, गूंग है, बोल नहीं रहा है, उनको देखा जाता है, सुनता है, अगर नहीं बोल रहा है तो वो जल्दी बोल देगा। मेरे दरबार में वीडियो आप लोग देखिए, प्रतिदिन एक वीडियो देखिए गोरिया बाबा का, गोरिया बाबा भरपूर बोलिएगा तो वीडियो दिखाएगा, उसमें देख कर लाइक शेयर करिए, उसी में देखिए कि कौन शराब छोड़ रहा है गोरिया बाबा के दरबार में, से किनका बाल बच्चा हुआ कितना दिन के बाद, कितना लोग बोल नहीं रहा था वो बोल रहा है, सभी के तो वीडियो नहीं डालते हैं इसलिए कि यहाँ पर जगह है नहीं भाई, जगह कहाँ है, भीड़ हो जा रहा है तो जगह है कहीं, रहने का व्यवस्था नहीं है मेरे पास, माने 1,000-2,000 आदमी तक रह सकता है, उसके बाद कहाँ व्यवस्था है, नहीं तो हम भी 15 वर्ष में 8-9 बरस देखे हैं, दो चार लाख आदमी को देखे हैं, दो चार लाख आदमी को देखे हैं, एक आदमी को नहीं दो चार लाख को, लेकिन जगह नहीं है। और कानून का मेरे पास दबाव आया कि हाँ आप इतने ही आदमी को देखिए, वो लोग अच्छा नियम हमको बताए कि ज़्यादा आदमी रहेगा तो दिक्कत होगा, व्यवस्था नहीं है इसलिए आप 1,000 आदमी को देखिए, हम 1,000 आदमी को नियम का पालन करते हुए देखते हैं। शनिवार को दोपहर के बाद, रविवार को 8 बजे से 12 बजे तक रोग दुख को और मिट्टी जाँच होता है, सोमवार मंगलवार और पूर्णमासी को जो भूत प्रेत कराते हैं जिनका बाल बचन है उन्हीं को देखा जाता है। हम 15 वर्षों से दवा चला रहे हैं तो जो लोग आता है कल्याण हो जाता है, लेकिन उन्हीं व्यक्ति को कल्याण होता है जिनका आत्मा में बैठ गया कि गोरिया बाबा के पास हम जा रहे हैं कल्याण हो जाएगा, जिस पर विश्वास आपका क्या आइएगा, कहीं भी जाइएगा आप, कहीं भी जाइए लेकिन विश्वास वहां पर करके जाइएगा तब होगा। हाँ ओझा गुनी कभी आपको ठीक नहीं कर सकता, ओझा एक ही काम करता है, लोग तांत्रिक एक ही काम करता है, जिसका शरीर पर क्या कहता है कि जबान काट करके भूत को शरीर पर बैठा देगा, बोलेगा कि 6 महीने 5 महीने के लिए बैठा दिए हैं और पूजा दीजिएगा तब ये ठीक होगा, वही काम करता है। फिर उसके बाद लोग खिलाने लगती है, लोग तो बोलता है कि वो भूत नहीं है दूसरा भूत आ गया है, नहीं तो दिमाग जांच कराओ तो ये कराओ, नहीं तो देवी आ गई तो वो आ गई वो आ गई, फलान ढेकान बोलता है लोग। इसलिए ओझा के सुझाव में और तांत्रिक के सुझाव में आप लोग मत रहिए, किसी भी दरबार से जुड़े हैं तो किसी भी दरबार से जुड़िए, ये नहीं हम बोल रहे हैं कि मेरे पास गोरिया बाबा के दरबार में आइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो दरबार से जुड़ रहे हैं तो अच्छे ढंग से जुड़िए, कल्याण हो जाएगा। जय गोरिया बाबा, देवस्थान पारपुर, थाना गढ़हनी, जिला भोजपुर, आरा बिहार। गोरिया बाबा का दरबार में आने से बहुत बहुत लोगों का कल्याण होता है, जिसका विश्वास है वो जोड़ें और जिसका विश्वास नहीं है नहीं जोड़े, ये जरूर करें, कहेंगे आप लोग से कि आप लोग ओझा गुनी के पास मत जाइए, कोई भी स्थान से जुड़ रहे हैं देवस्थान से वहाँ पर जुड़िए। और कितना लोग तो देख रहे हैं ऐसा ऐसा कि ड्रामा कर रहा है लोग कि क्या कहा जाए भाई, भूत प्रेत होता है लेकिन आप उसमें मत डूब जाइए, तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास भी दिखाइए, ये नहीं कि भूत अभी कराए तो ये कराए तो उसी में विदाई हो जाएगा, समझ में आया ना। मेरे नाम से तो दरबार बहुत जगह चलता है, देखिए बागेश्वर बाबा इस समय आए हैं मार्केट में तो उनका नाम से कितना लोग ढकोसला लोग चलाने लगे, वो चला रहे हैं अपना दरबार तो कितना लोग उनका नाम से चलाने लगे कि ऐसे वैसे, अरे महाराज जो सत्य है तो सत्य उन्हीं का जीत होगा, मेरे नाम से कितना लोग चलाए तो हमारे जीत हुआ, कितना लोग का देवास बंद हो गया, बागेश्वर बाबा के नाम पर कितना लोग चलाए सभी का बंद हो गया, उनका नहीं बंद होगा, होता है कि नहीं। तो आप जहाँ जुड़िएगा वहीं पर कल्याण होगा, विश्वास के साथ जुड़िएगा तब। और एक बात मिला लीजिए, जब तक डॉक्टर के पास आप रोग नहीं कहिएगा, आपका वो दवा नहीं देंगे तो कभी ठीक नहीं होगा, आपको डॉक्टर के पास जाइए वो बोल देगा कि जाओ ठीक हो जाएगा तो होगा, कभी नहीं हो सकता है। सनातन धर्म से आप जुड़िए और जब तक सत्य रहेगा, शिव शक्ति रहेगा, तब तक कोई माई कला नहीं है ना, इस सनातन को झुका सकता है और हिंदू धर्म का विनाश कर सकता है, सभी हिंदू मुस्लिम सब का कोई मतलब नहीं है, प्रेम से रहना चाहिए, सभी को मिलकर अपना धर्म पर रहना चाहिए, धर्म को निभाना चाहिए।
कर्तव्य करना चाहिए। मेरे दरबार में 2013 में 3,25,000 औरत का बाल बचा हुआ था, दो दो चार चार लाख एक एक दिन दिखा रहा था, और सब डायरी मेंटेन है किसको कहाँ हुआ है। इतना सोना का आँख हमको तो लग रहा है कि 2.5 किलो सोना का आँख दी थी लोग, सब लोग को हम जाल हमको हम लोग जाकर पहुँचाए हैं, नाम पता लिखा गया था, सोना का आँख बाबा खिंचलाने लगते हैं, सभी लोग को जाकर पहुँचाए हम। एक गाड़ी हमको दिया, उनको भी गाड़ी लौटाया गया, स्कॉर्पियो काला रंग का, एक 2.5 लाख का सोना का सिकर दिया, उसको भी लौटाया गया। चढ़ावा अगर हम लोग चढ़ाते ना शुरू से तो खरबों खरबों का होता चढ़ावा, लेकिन गरीब आदमी को हम नहीं देखते, हम धनी के आदमी को सभी को देखते, जैसे वो लोग देखते हैं बड़ा बड़ा बाबा लोग। आप देखिएगा कितना लोग को कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन जब तक इतना आस्था नहीं रहेगा, इतना लोग नहीं देखेंगे, आस्था से आप नहीं जुड़िएगा तो कहाँ से कल्याण होगा। गोरैया बाबा थोड़े आपको ठीक कर देंगे, सभी जगह इतना लगा रहे हैं लोग दरबार, तो इतना आदमी को एक आदमी नहीं ना ठीक कर सकता। इसलिए जो जहाँ पर वहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पर आप दिखाइए, दिल से दिखाइए, ओझा से मत दिखाइए। ओझा का दिन है, कितना बेटी बहन खिला रही है, चाहे आप लोग को दिक्कत हो रहा है, आप नहीं भी रहता है तो शरीर पर दे देता है सबूत। जय गोरैया बाबा, देवस्थान पहाड़पुर, आशीष अंजल ऑफिशियल के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, शेयर और लाइक करिए। हटिए उधर, जय गोरैया बाबा, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव, पहाड़पुर धाम की जय। बोला हो गोरैया बाबा के, गोरैया बाबा के, गोरैया बाबा के, प्रेम से बोलिए गोरैया बाबा के, सच्चे दरबार के, पहाड़पुर धाम के, सनातन धर्म के, सत्य के, हर हर महादेव। गोरैया बाबा का नंबर है 8581-7578, लेकिन एक बात याद करिएगा, जिन व्यक्ति को नंबर जिनके पास है तो इमरजेंसी में ही कॉल करिए, मजाक में कॉल मत करिए भाई, मगर इमरजेंसी के लिए कॉल देने नंबर दिया गया है। शनिवार को दोपहर के बाद मत करिए, रविवार को 8 बजे से 12 बजे तक मत करिए, सोमवार और मंगलवार तो साफा मत करिए, क्योंकि हम ड्यूटी पर आते हैं, इसी में कितना मेरा बाबा मोबाइल को, इसलिए जिसको भी मिला है नंबर है तो इमरजेंसी में आप कॉल कर सकते हैं। तो